फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज मैं सुबह सुबह का नाश्ता है हमारे यहाँ का। तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को तो ये हमारा धनिया लौकी का पत्ता है, और ये हम प्याज काटे हुए हैं, इसका छिलका निकाल लिया है। ये हमारे घर का पहसुल है, भोजपुरी में लोग इसको गांव में पहसुल बोलते हैं। तो इससे हम काट रहे हैं प्याज को। इस तरह से सारे प्याज काट लेंगे। प्याज ये मिर्चा है, मिर्चा 3 है। हम ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, खाते हैं तो सी सी करने लगते हैं, आँख से पानी आ जाता है, तो सही से नहीं खा पाते हैं अच्छे तरह से। तो हम थोड़ा ही मिर्चा डालेंगे ताकि वो लोग आनंद से खा सके। इस तरह से हम 3 मिर्चा डाले हैं। देखिए, इस तरह से हम काटे हैं। आपके पास पहसुल नहीं है तो आप चाकू का, जैसे मेरा चाकू है, आप चाकू से भी इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको काट सकती हैं। ये हमारा टमाटर है, इस टमाटर को हम छोटा छोटा करेंगे, इस तरह से काटेंगे। चार पांच भाग में ऐसे ऐसे अंदर की तरफ काट लिए हैं, और किसी तरह से हम इस तरह से करेंगे, ऐसे से हम काट लिए। टमाटर हमारा कट गया, इसी तरह से हम सब चीज काटेंगे, और इसमें हम मटर भी डालेंगे। मटर, ये हमारा मटर है, ये देखिए, ये हमारा मटर है, ये मटर है। मटर का हम छिलका उतार लेंगे इस तरह से। इस तरह से सारे मटर का छिलका उतार लेंगे। ये हमारी मैगी है, ये मैगी है, 6 पैकेट मैगी है। ये मैगी को इस तरह निकाल लेंगे, सारे मैगी को इसी तरह से। हमारा 6 पैकेट मैगी है, तो हम मैगी को काट लेते हैं। तो देखिए, हम मैगी, ये 6 पैकेट मैगी है, मैगी को हम निकाल चुके बाहर, पैकेट से बाहर निकाल चुके। ये हमारा 6 पैकेट मसाला है, हम इस मसाले से ही मैगी को बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो, आपको ज़्यादा मसाला पसंद हो, तो आप बाहर का भी मसाला डाल सकती हैं, जैसे कि राजेश मसाला, मीट मसाला, या फिर एवरेस्ट मसाला आप डाल सकती हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, जीरा से हम तड़का देंगे। तो फ्रेंड, अब हम मैगी का सब चीज़ हमारा तैयार हो गया। प्याज भी तैयार है, मटर भी तैयार है, और टमाटर भी है, धनिया का पत्ती भी है, और मिर्चा भी है, सब कुछ हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं बनाने के लिए चूल्हे के पास। तो देखिए, हम मैगी, ये 6 पैकेट मैगी है, मैगी को हम निकाल चुके बाहर, पैकेट से बाहर निकाल चुके। ये हमारा 6 पैकेट मसाला है, हम इस मसाले से ही मैगी को बनाएंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो, आपको ज़्यादा मसाला पसंद हो, तो आप बाहर का भी मसाला डाल सकती हैं, जैसे कि राजेश मसाला, मीट मसाला, या फिर एवरेस्ट मसाला आप डाल सकती हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा लेंगे, जीरा से हम तड़का देंगे। तो फ्रेंड, अब हम मैगी का सब चीज़ हमारा तैयार हो गया। प्याज भी तैयार है, मटर भी तैयार है, और टमाटर भी है, धनिया का पत्ती भी है, और मिर्चा भी है, सब कुछ हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम चलते हैं बनाने के लिए चूल्हे के पास। ये हमारी कढ़ाई है, ये चूल्हा है, ये कढ़ाई है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालते हैं, ये घर का तेल है, शुद्ध तेल, हम बाजार का तेल यूज नहीं करते हैं। हमारे घर पे सरसों होता है, उसको हम मशीन पे जाता है तो वहाँ से तेल निकलता है। ये सरसों का तेल है, हम इतना डाले हैं कि हमारा प्याज अच्छी तरह से लाल हो जाए, और इसमें हम आँच को अच्छी तरह से लगा देते हैं। हमारी आँच अच्छे से लग नहीं रही है, हमारी जल नहीं रही है। तो फ्रेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी,
देखिए तो किस तरह से हम इसमें डालेंगे जीरा को। ये हमारा जीरा है, जीरा हम डाल देंगे। आप सोचते होंगे मैं मैगी को क्यों नहीं उबाली। हम मैगी उबाल कर बनाते नहीं हैं, हम नए तरीके से आपको मैगी बनाना बताएंगे। तो हम मैगी उबाल कर इसलिए नहीं बनाते हैं कि मैगी उबाल देते हैं तो उससे जो कुछ भी डालते हैं मसाला वगैरह ये सब हमारा मैगी पे अच्छी तरह से चढ़ नहीं पाता है मसाला, तो हमारी मैगी सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है। उबालने से मैगी सफ़ेद हो जाती है, उस पर मसाला अच्छी तरह खिल नहीं पाता है। तो हम आपको मैगी इसी तरह बनाना बताएंगे। देखिए किस तरह से बनाते हैं मैगी को। हमारा देखिए ये जीरा अच्छी तरह से भूरा कलर का हो गया है, तो इसमें हम प्याज डालेंगे। इस तरह से प्याज को डाल देती हूँ। ये हमारा प्याज है, ये हमारी पौनी है, इसी तरह से चलाते रहेंगे प्याज को। इसी में मिर्चा डाल देंगे, हम हाथ से मिर्चा को नहीं उठाएंगे क्योंकि तीखा मिर्चा है तो हमारा हाथ जलने लगेगा। मैं मिर्चे से एलर्जी है इसलिए मैं हाथ से मिर्चा नहीं उठा रही हूँ। इस तरह से हम प्याज और मिर्चे को लाल करते रहेंगे। इसमें हम मटर भी डाल देंगे तो मटर हमारी अच्छी तरह हो जाएगी। प्याज और मटर ये सब लाल करके मिर्चा को, जब हमारा लाल प्याज हो जाएगा एकदम भूरा कलर का तब इसमें हम टमाटर को डालेंगे। अगर टमाटर अभी डाल देंगे तो हमारा प्याज अच्छी तरह से लाल नहीं होगा। तो इसी तरह हम इसको चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा प्याज इस तरह से एकदम लाल हो गया है, मटर भी अच्छी तरह से पक गए हैं और ये अलग अलग दाने हो गए हैं तो हमें खाने में और अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से एकदम लाल हो गया है, इसमें हम टमाटर को डालेंगे। टमाटर डाल देते हैं, इसके बाद टमाटर को लाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, नमक इसलिए थोड़ा सा डाल रहे हैं, बस थोड़ा सा डालेंगे, बाद में हम डालेंगे इसको नमक को। देखिए इस तरह से नमक थोड़ा सा डालेंगे कि हमारा टमाटर अच्छी तरह से पक जाए, और थोड़ा सा नमक डालेंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे टमाटर को। देखिए कितनी जल्दी हमारा टमाटर पकेगा। नमक डालने से क्या रहता है कि टमाटर खड़ा नहीं रहता है, हमारा टमाटर गल जाता है, टमाटर हमारे गल जाते हैं और मैगी हमारी बहुत जल्दी बनेगी। तो आप भी इसी तरह मैगी को बनाना, कमेंट करके बताना कि मैगी कैसी लगी, स्वादिष्ट लगी, बना के खाकर तब हमें बताना। वीडियो आप लोग देखती हैं क्योंकि कमेंट नहीं करती है, सब्सक्राइब भी नहीं करती है। हम फेक वीडियो कभी नहीं बनाते हैं, हम जो भी वीडियो बनाते हैं एकदम सही बनाते हैं। जितना भी वीडियो हम बनाते हैं हमारा वीडियो एकदम सही रहता है, हम दूसरों वीडियो की तरह हम फेक वीडियो नहीं बनाते हैं, हमारा वीडियो ओरिजिनल रहता है। इसी तरह वीडियो आप भी देखते रहिएगा। देखिए इस तरह से हम चलाते रहेंगे। देखिए हमारा टमाटर नमक डालने से देखिए किस तरह हमारा टमाटर कट रहा है, ऐसे ऐसे देखिए। तो हमारा टमाटर जल्दी पक गए इस तरह से। देखिए हम पैकेट का मसाला इसमें डाल रहे हैं, इसी तरह से सारे मसाले हम डाल देंगे। हमारी 6 पैकेट का मैगी है तो हम 6 पैकेट मसाला इसमें डालेंगे।
इसका मसाला वैसे ही खा कर देखिएगा, इसका मसाला बहुत ही टेस्टी रहता है। हम तो वैसे ही ये पैकेट को खा जाते हैं मसाले को, आप भी इसी तरह खाइएगा। इसी तरह आप भी खाइएगा, मसाला बहुत टेस्टी रहता है। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया है मैगी को। इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे वो खटाई का मसाला डालेंगे, इस तरह से थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे। तो हमारा अच्छी तरह से लाल हो चुका है, इसमें पानी डालेंगे। देखिए हमारे चूल्हे पे गर्म पानी है, हम इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं। अगर आप गर्म पानी नहीं की हैं तो आप ठंडा भी पानी डाल सकती हैं, लेकिन गर्म पानी डालने से क्या रहता है कि हमारी मैगी बहुत अच्छे से हो जाती है, जल्दी होती है, लेट नहीं लगती है। तो इसी तरह से हम पानी को डाल लीजिए, इस तरह से देखिए हम सारी मैगी को निकाल लिए थे और मैगी को हम इसमें डालेंगे। इस तरह से मैगी डाल देते हैं, इसी पानी में डालेंगे, एकदम चटपटा मैगी बनेगी। आप भी बनाकर खाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस तरह से मैगी को हम पलट देंगे, इस तरह से कढ़ाई में हमें पानी कम लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इस तरह से। तो क्या है कि हमारी मैगी अच्छी से हो जाएगी, एकदम लंबी लंबी। देखिए इसी तरह से इसमें हम नमक डालेंगे, थोड़ा नमक हम पहले ही डाले थे तो हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे इसमें नमक। देखिए नमक ज़्यादा ना हो इसलिए थोड़ा ही डालेंगे, जितना हमें पसंद है। हमारे घर वालों को नमक बहुत कम पसंद है लेकिन हमें नमक ज़्यादा पसंद है। तो हम देखिए इस तरह से मैगी हमारी ऐसे ही चलाते रहेंगे हम मैगी को। थोड़ा आँच हमारा कम हो गया था, हम आँच को तेज कर रहे हैं। इस तरह से हम मैगी को चलाते रहेंगे। देखिए हमारी मैगी इस तरह से उबल रही है, कितनी लंबी लंबी मैगी है इस तरह से देखिए, या कितना अच्छा लग रहा है। देखिए हमारी मैगी इस तरह से, देखिए मैगी हमारी है एकदम लंबा, ये जल्दी टूटेगा नहीं। उबालने से क्या रहता है कि मैगी टूट जाती है और उस पर मसाले हमारे अच्छी तरह से चढ़ नहीं पाते हैं। जैसे इस पर देखिए मसाला दिखाई दे रहा है आपको, इसी तरह से जैसे ही अच्छी तरह से इस पकेगा इस पर और ही अच्छी तरह से मसाला चढ़ेगा। तो इसमें हम धनिया की पत्ती डाल देते हैं, धनिया लहसुन का पत्ता काटे थे तो इसमें डालेंगे तो हमारा स्वाद और अच्छा आएगा इस तरह से। तो दोस्तों आप भी इसी तरह मैगी को बनाइएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करती हैं, लाइक भी नहीं करती हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ यार आप लोग मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। हम आपको इस समय हम इसलिए खाने का चीज़ दिखा रहे हैं बना बना कर कि इस समय तो ठंडी का मौसम है, तो ठंडी के मौसम में लोग काम कम करते हैं और खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो खाना अच्छा अच्छा बनाकर गर्मी के मौसम, ठंडी के मौसम में खाते हैं, और तब जब गर्मी का मौसम आएगा तो हम आपको सिलाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि ठंडी है तो सब लोग आपके सामने बैठे रहते हैं, काम कम करते हैं। तो इसलिए मैं आपको खाने की चीज़ें दिखा रही हूँ। देखिए हमारी मैगी, अब हम इसको उतार देंगे चूल्हे से। तो फ्रेंड देखिए हमारी मैगी एकदम बन तैयार हो गई है, कितनी टेस्टी मैगी है। तो इसको हम चूल्हे से उतार चुके हैं बाहर, देखिए अब इसको हम थाली में रखेंगे और चम्मच से खाएंगे इसको, इसका स्वाद चखेंगे कैसा है। फ्रेंड देखिए हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है, अभी ये मैगी हम ले जाएंगे सबको देने के लिए। धन्यवाद।